आज जो इंटरव्यू पे आ रहे हैं उनकी बेटियाँ उनको सुपर हीरो कहती हैं. आई थिंक इट्स बिकॉज उन्होंने अपनी बेटियों की ज़िंदगी में एक बाप होने के साथ साथ और भी बहुत से किरदार अदा किए हैं. वी नीड मोर मैन लाइक दिस इन आवर सोसाइटी. अंकल, मुझे उजाला ने आपके बारे में बहुत सी बातें बताई हुई हैं. हम बहुत एक्साइटेड थे कि आप आए हमारे शो पे और हमें बताएं आपकी स्टोरी. तब आप मुझे बताएं आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे. आगाज़ करता हूँ वहाँ से जब इनकी जो है मदर, उनसे हमारा सेपरेशन हो गया था. तो फिर इनकी बच्चों की जिम्मेदारी मेरे पर आ गई थी. बिल्कुल आइडिया नहीं था कि क्या बच्चियों को कैसे करना होता है, और प्लस ख़ानदान का और मुख्तलिफ लोगों का एक प्रेशर होता है कि जी चलें बच्चे हमें दे दें, हम पाल लेते हैं, हम कर लेते हैं, आप शादी कर लें. ये एक बहुत कॉमन चीज़ होती है ना. जी बिल्कुल, ख़ास तौर पे जो माएँ होती हैं ना, उनको ख़ास तौर पे ये होता है कि बच्चा मेरा जो है वो अकेला हो गया बेचारा, लेकिन मुझे लगा ऐसा नहीं है. आपकी दोनों बेटियाँ उस वक्त उनकी क्या एज थी. छोटी अराउंड मेरा ख्याल चार साढ़े चार साल की थी, बड़ी 5.5 के करीब थी. तो दोनों बहुत छोटे थे. और कोई उस वक्त फीमेल सपोर्ट था, यानी अम्मी या बहन या कोई. नहीं, हम लोग क्योंकि अलग रहते थे तो इस वजह से कोई ऐसा कुछ सिलसिला था नहीं. लेकिन मैं इंडिपेंडेंटली ही इनको बड़ा करना चाहता था. स्कूल शुरू हुआ था इनका, स्कूल में भी इनको कुछ प्रॉब्लम्स आते थे क्योंकि स्कूल में जब चीज़ें पता चल जाती हैं तो टीचर्स भी अजीब तरह से बिहेव करती हैं. किस टाइप से, मतलब वो इनके साथ मारपीट भी कर सकते हैं या इनके साथ जो है कोई पूछने वाला तो है नहीं. तो फिर ये कि मैंने ये अपना एक ख़ास वो बना लिया था कि इनके स्कूल ज़रूर जाना है, इनकी हर टीचर से मुझे मिलना है. उनको पता होना चाहिए कि पीछे इनके कोई है, पूछने वाला है. जी हाँ, मतलब अगर थोड़ा सा भी वो लूज़ छोड़ देता तो वो मामला, और बच्चे भी जो थे उनका भी बिहेवियर जो होता था वो थोड़ा सा खराब हो जाता था. आपको कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट याद है कि कभी ऐसा कुछ हुआ हो जिसकी वजह से आपको जाना पड़ा हो स्कूल. ये छोटी वाली उजाला ही की वजह से इनका कुछ थोड़ा सा वो लाइस वाइस का प्रॉब्लम था. ये उसकी वजह नहीं थी, वजह कोई और था जिसके साथ ये बैठती थी. तो लेकिन ब्लेम सारा क्योंकि इन पर आता था इस वजह से कि उनको पता था कि घर में कोई इन चीज़ों के लिए देखने वाला नहीं है. उसके ऊपर मेरी खासी उनके साथ जो है अच्छी खासी वो हो गई थी सिलसिला. तो बहरहाल फिर वो सॉल्व हुआ क्योंकि मैं ख़ास तौर पर इस चीज़ का बहुत ख्याल रखता था, इनकी सफाई वफाई का और सारी चीज़ों का. इनके यूनिफॉर्म्स, इनके जूते वो बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, बिल्कुल अलग नज़र आनी चाहिए. बल्कि फिर मैंने उस वक्त कुकिंग भी सीखना शुरू की ताकि मैं इनके लिए खाना खुद बना सकूँ. फिर ये कि मेरी कोशिश होती थी कि जब ये स्कूल से आएँ तो मैं घर पे ही हूँ ताकि हमारे कंफर्ट लेवल जो है वो भी हो, दोस्ती हो, ये सारा चीज़. और घर का माहौल एक ऐसा हो कि बच्चों को डिस्टर्बेंस फील नहीं हो. जी बिल्कुल. जब दोनों बड़े हो रहे थे तो बहुत से ऐसे इनके भी मसले होते होंगे, सब आपके सामने पेश करके लोग लाती होंगी, तो फिर आप किस तरह से मैनेज करते थे. मैं थोड़ी बहुत गाइडेंस अपनी वालदा से लेता था और एक मेरी बड़ी मतलब मुंह बोली बहन कह लें, लेकिन बास चीज़ ऐसी होती थी कि मुझे डिस्कस करना. देखें ये एक हकीकत है कि बच्चों के साथ जो है वो जिसको कहते हैं वो साइकिल होता है एक, तो वो जो फर्स्ट टाइम सारा सिलसिला हुआ, दहरी बात है वो भी डर गई, घबरा गई, और घबरा तो मैं भी गया था. मतलब उसको बात करना वो भी एक टैबू है, आज भी है थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ, लेकिन बहरहाल मुझे उसको डिस्कस करना था कि उसको हल करना था. जब ये बड़े होने लगे तो तहरी बात है आपको बच्चियाँ होती हैं, इनको अंडरगारमेंट्स की भी ज़रूरत होती है, सारा कुछ होता है. अब इनकी शॉपिंग सारी मैं ही करता था, सारी बातें सारा कुछ ये साथ जाते थे. अब वहाँ जाता था तो मतलब दहरी बातें काउंटर पर ख़वातीन होती थी. तो मतलब हमारे यहाँ पता नहीं क्यों लोग ये समझते हैं कि सामने वाला जो है कि ये हमें मतलब उसको कोई अच्छे मायनों में नहीं लेता. वो समझता है कि पता नहीं क्यों इस तरह की हाँ ये कर रहे हैं ये सारा है. तो मैं और ना मुझे पता था कि क्या, तो मैं वहाँ जो ख़वातीन होती थी तो उनसे बातचीत करता था कि भाई ये इनको जाओ, इनको आप
मतलब सजेस्ट करो इनके लिए क्या चीज़ बेहतर है ताकि वो इनके लिए होना चाहिए। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे थे तो लोग कुछ कहते थे, कुछ कमेंट्स इस तरह के पास करते थे कि जो आप लोग की सिचुएशन थी उससे रिलेटेड? हाँ, होता था आज इस तरह से होता था। ये एक्चुअली उस वक्त हम अपार्टमेंट में रिहाइश थी तो ये लोग बाहर खेलने वेलने जाते थे। ठीक है। बाज़ दफ़ा कुछ लोगों का ये होता था कि नहीं, इनके साथ नहीं खेलना है। सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सिंगल फादर थे तो उस वजह से ये लोग कमेंट्स पास करते थे? जी जी बिल्कुल। पहले तो सबको लगता था कि शायद 4-6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा साल में ये बिल्कुल बिगड़ जाएंगी, ये हो जाएगा और या ये छोड़ के अब भाग जाएंगे, कोई इसी किस्म का कोई अंजाम होगा। उन्होंने एक पूरी अपने दिमाग में स्टोरी बनाई हुई होगी। जी बिल्कुल, ऐसा ही कुछ था। तो उनको आइडिया नहीं था कि नहीं ये लड़ाई जो है लड़नी है और पूरी लड़नी है। आपको तकलीफ नहीं होती थी इन लोग की बातों से? बिल्कुल होती थी। मैं बाज़ दफ़ा, मतलब बड़ा अजीब लगेगा लेकिन मैं बाज़ दफ़ा जो है अकेले में जो है ना थोड़ा सा बहुत अजीब हो जाता था। थोड़ा याद आ गया वो सारा चीज़ें तो इस वजह से, तो मतलब मैं अकेले में जब होता था, जब सोचता था तो मतलब बड़ा मुझे होता था कि मैं इसमें से, इस सिचुएशन से कैसे निकलूं, कैसे लड़ूं, क्या करूं। जो लोगों की बातें होती हैं बहुत तकलीफ़ देती हैं और वो उनको शायद अंदाज़ा भी नहीं होता कि ये एक दफ़ा कही हुई बात जो है बरसों तक जो है दिल में बहुत रह जाती है। मुझे मतलब अपने लिए इतनी तकलीफ़ नहीं होती थी, मुझे इनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी क्योंकि ये जब जैसे कहते हैं थोड़ा सा मुरझाए हुए होते थे या ज़रा वो होते थे तो मैं मतलब बिल्कुल बहुत वो हो जाता था क्योंकि एक तरह से मेरे लिए यही दुनिया थे, यही सब कुछ थे मेरे लिए। तो मैं जो है बस ये होता था मुझको कि इनको कोई कुछ ना कहे। अब जो इन लोग ने माशाल्लाह पढ़ भी लिया, शादी भी हो गई माशाल्लाह, ये लोग हैप्पी भी हैं, हर चीज़ अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो जब आप इसको कंपेयर करते हैं उन तकलीफ दे मोमेंट से तो आपको क्या लगता है? मुझे मतलब इनको देख के एक तो खुशी बहुत होती है कि ये अपनी अपनी जगह आप खुश हैं, चल अपनी अपनी एक ज़िंदगी में आ गए हुए हैं। मैंने कभी इनको इस चीज़ सिलसिले में कभी प्रेशराइज़ नहीं किया, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने दिए, नहीं मैंने कभी नहीं। मैंने कहा कि नहीं, आप अपनी तालीम पूरी करो और उसके बाद भी अगर आप कुछ करना चाहते हो वो करो, मेरी तरफ से किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। और इसी हिसाब से, और जब इनका हुआ तो उसी हिसाब से इनकी शादियाँ अल्हम्दुलिल्लाह दोनों की से फारिग हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे सन इन लॉज हैं वो भी अब समझ चुके हैं कि इनकी बॉन्डिंग मेरे साथ किस किस्म की है, तो वो भी अब जो है उनसे भी अब अच्छी बॉन्डिंग हो गई है मेरी। और जो स्ट्रगल्स आपने फेस की मेरे ख्याल से उनका बहुत ही खूबसूरत अंजाम है आपकी बेटियाँ जो आज हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना शुक्र करूँ अल्लाह ताला का वो काम है, अल्लाह ने हिम्मत दी, किया उसको ओवरकम किया चीज़ें, इनके जो इनके सवालात, इनकी चीज़ें, और इनके साथ जब ये होता था फिर इनके साथ बैठता था, घंटों बैठता था, बिल्कुल ऐसा लगते थे सारे तीनों बच्चे ही खेल रहे हैं हम, तो ये सारी चीज़ें होती थी हमारी। और बॉन्डिंग भी बच्चों की इसीलिए थी ना क्योंकि आपने इतना वक्त गुजारा उनके साथ, इसीलिए इनके दोस्त भी आपके पास आते थे। जी बिल्कुल। मैं इनके स्कूल जब जाता था, मतलब शुरू की बात नहीं कि ये जब ये सारा एक इस्टेब्लिश होने लगा ये सारा कुछ, तो वो सारी बच्चियां मेरे इर्द गिर्द इकट्ठी हो जाती थी, ऐसा लगता था कोई पता नहीं कोई कौन आ गया हुआ है। इनकी फ्रेंड्स घर पे आती थी तो मैं वो सारी कुकिंग करता था, जो उनकी पसंद की चीज़ें हैं इनकी चीज़ें हैं तो वो मैं खुद ही कुक करता था सब कुछ, तो करके फिर वो लोग खुश होते थे, ये लोग एक तरह से इनके लिए वो पिकनिक होती थी, तो वो वाले मोमेंट जो होते थे वो मैं मतलब आज भी याद करके चेरिश करता हूँ उनको बहुत ज़्यादा, वो मेरे लिए खूबसूरत तरीन मोमेंट्स होते थे। एक फिल्म की तरह अच्छी मेमोरीज दिमाग में प्ले होती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल होती हैं।